मेरे प्यारे दोस्तों, यह है एकलव्य टेनिस आश्रम। इसका उद्देश्य यही है कि इस टेनिस कोर्ट में जो भी आएगा उसको दूसरे की तरफ मुंह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सर उठा के जिएगा और अपने अध्यवसाय, अपने उद्यम, अपने प्रयत्न, अपने कठोर परिश्रम से, अश्रु स्वेद से लथपथ होते हुए दुनिया का सर्वोत्तम बन सकता है। इसीलिए एकलव्य टेनिस आश्रम इस टेनिस कोर्ट का नाम दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों। और ये हमारे जीवन में सबसे बड़ी चीज़ रही। मेरा नाम है पंडित फकीर योगी बेंद्र जोगी और ये एकलव्य ही है। बहुत कम लोग थे जो हमें कुछ रास्ता दिखाए। सबसे पहले हमारे चाचा जी राम सुदिष्ट चौधरी थे, जिन्होंने मुझे बिल्कुल मौत के मुँह से बताया, नहीं तो मैं एक जानवर की तरह जानवर के साथ रहता, गाय भैंस चराता। उन्होंने मेरी चुस्ती दुरुस्ती से हमें स्कूल में भेजा, सारे खर्चा उठाए, जीवन में प्रेरणा का स्रोत बने और फिर तो मैं एक लव्य ही बन गया। दिन रात अध्ययन, उद्यम, मनोरथ, कल्पनाओं के दुनिया में उड़ता रहा। दुर्भाग्य यही था कि वो मुझे एक पुलिस देखना चाहते थे, क्योंकि जिस राज में मैं था उस राज में कुछ ऐसे लोग थे जो जाति धर्म मजहब क्षेत्र में बहुत विश्वास करते थे और जो ब्राह्मण थे उनके साथ बहुत अत्याचार और उत्पीड़न करते थे। तो हमारे चाचा जी बहुत बड़े ब्राह्मण देवता थे, तो वो लल्लू यादव खोल के बोल दे रहा हूँ, लाठी से लठियाता था। कर्पूरी ठाकुर आया, मंडल कमीशन लगाया, सिविल वॉर हो गया बिहार में। तो प्यारे दोस्तों, इसीलिए हमारे चाचा जी मुझे पुलिस बनाना चाहते थे, लेकिन ये फुलिश आइडिया था। पुलिस क्या करेगा भाई, पुलिस कुछ नहीं करेगा, पुलिस कुछ नहीं करेगा। अपनी सुरक्षा हर व्यक्ति को खुद करनी चाहिए और सबसे बड़ी सुरक्षा मेरी होती कि मैं न्यूटन, आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग्स, एडिशन, एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, एलोन मॉस्क, स्टीव जॉब्स, एंड्रू कार्नेगी और बिल गेट्स की तरह, बेजोस की तरह, जुकरबर्ग की तरह कुछ दिमाग का प्रयोग करके मानव समाज के लिए, मानवता के लिए कुछ उपयोगी बनता। फिजिक्स पढ़ा दिए, बहुत बड़ा फिजिक्स का वैज्ञानिक बना मैं। यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड तोड़ दिए, मिथिला और बिहार यूनिवर्सिटी मिला के। मिथिला यूनिवर्सिटी पहली बार मिला था, समस्तीपुर कॉलेज जहाँ की पहली बार फिजिक्स ऑनर्स खुला था वहाँ जाके मैंने दो यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि तो जहाँ चाहे वहाँ रहा। आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति, दुनिया के हर असंभव को संभव समझने वाला कर्मवीर पुरुषोत्तम पंडित फकीर योगी बेंद्र योगी अपने ज़िंदगी बर्बाद कर लिए फिजिक्स पढ़ के। अरे हमें तो डिज़ाइन करना था अच्छे अच्छे कार, अच्छे अच्छे मोटर बाइक, हमें जापान जाना चाहिए था, सुजुकी में काम करना चाहिए था, होंडा में काम करना चाहिए था, कावासाकी में काम करना चाहिए था, यामाहा में काम करना चाहिए था, BMW में काम करना चाहिए था और एक बहुत टेक्निकल मैन बनना चाहिए था, जिससे कि हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति तो होती ही, दुनिया को कुछ नए नए आविष्कार करके मैं कुछ देता था। क्रैशलर की तरह हमें एक टेक्निकल मैन बनना चाहिए था। तो प्यारे दोस्तों, यही कहता हूँ कि क्लब का मतलब होता है कि जिस रास्ते भी जाओ तुम्हारी बराबरी कोई नहीं करे, लेकिन मेरे रास्ता ही गलत हो गए। थ्योरेटिकल फिजिक्स पढ़ा, बस आज बेरोजगार, बेचारा, बेसहारा, क्योंकि टेक्निकल मैन नहीं हो ना, फिजिक्स कौन पढ़ने आएगा भाई। फिटनेस का मास्टर हूँ, टेनिस बॉल प्लेयर हूँ, इसलिए टेनिस कोर्ट है। गांव में रहता हूँ, बीबी नगर मंडल में, यहाँ कौन टेनिस खेलेगा। खाने पीने का भी प्रॉब्लम है भाई, लेकिन उद्देश्य एकलव्य टेनिस आश्रम का था, अपनी एक ही इकलौती बेटी विष्णु विशेष को वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेनिस प्लेयर बनाना। मैग्रेट कोर्ट का मेरे भाई और बहनों, मालूम है 24 ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड है सिंगल्स में, उसको तोड़ना।
कि एकला भी हूँ ना। अरे कहाँ अर्जुन, कहाँ कर्ण, पैर के तलवे सहलाने लायक नहीं रहने देता जिस क्षेत्र में मैं जाऊँगा, क्योंकि मेरी मदद करने वाला मैं खुद हूँ। मेरा साहस, मेरा धैर्य, मेरी मस्तिष्क की बुद्धि, मेरा प्रति उत्पन्न मतित्व इंटेलिजेंस, यही मेरे सहायक है। चलो चलते चलते भटकते भटकते टेनिस ने मुझे मेरे परम गुरु परम परमेश्वर मानव रत्न डॉक्टर जी वी कृष्णा रेड्डी के चरण में ले आया। उनके चरण के आशीर्वाद से वो मुझे समझ गए कि अद्भुत प्रतिभा का व्यक्ति, अधिवसाय उत्मी मनोरथी, न कभी रुक सकता, न कभी थम सकता, न कभी मुड़ सकता, न कभी गिर सकता, न कभी भीख मांगता। प्यारे दोस्तों, आज उन्हीं के देखरेख में मानव कल्याण के लिए इमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में मैं ग्रीन हेल्थ सर्विसेज में सेवा दे रहा हूँ। लोगों में प्रेरणा का स्रोत बन के उन्हें एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, और उसका स्रोत है पतंजलि अष्टंग योगा, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि अगर विचार शुद्ध हो तो पवित्र विचार से हम अपने शरीर को भी सबल करेंगे और पृथ्वी पर स्वर्ग उतार सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम् आत्मसर्वभूतेषु। हे मेरे दोस्तों, हे मेरे श्रोतागण, हे मेरे दर्शक, यह बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड योगी, वीरेंद्र योगी आप सबों से भी निवेदन करता है, अपनी मदद खुद करो। देख कर बाधा विविध घबराते नहीं, देख कर बाधा विविध बहु विभिन्न घबराते नहीं, काम कितना हो कठिन किंतु उपताते नहीं, भीड़ में चंचल बने वो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भवले, सब जगह सब काल में वही मिले फूले फले। समय का सदुपयोग करिए, कठिनाइयों का सामना करिए, कर्मवीर पुरुषोत्तम बनिए, मानवता के कल्याण के लिए काम क्रोध मद लोभ मोह द्वेष को जला डालिए, और सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा के रास्ते चलते हुए, ये भारत भूमि ऋषियों की भूमि है, यहाँ सबों का सम्मान है, सारी आत्माएं समान है। ये धर्म तो बहुत घटिया चीज़ है, ये धर्म तो बहुत घटिया चीज़ है, क्योंकि धर्म अगर सत्य से दूर हो, जो विनाशकारी हो, जो प्रहार करता हो, जो विस्तार करता हो, जो दूसरों का अपमान करता हो, कत्ल करता हो, हत्याएं करता हो, वो धर्म है क्या? वो तो महाधर्म है। इसीलिए मेरे साथ आइए, और सत्य सत्य धर्म है यही जो बता रहा हूँ, पतंजलि अष्टंग योग, यामा अहिंसा सत्यास्त्या अपरिग्रह, नियमा स्वच्छा संतोषा तपसा स्वाध्याया, आसना प्राणायामा प्रत्याहारा धारणा धाना समाधि, इसमें कोई भी पाखंड नहीं है, सत्य है। सत्यमेव जयते, सत्य का ही विजय होता है। ओम शांति। तो आइए ऋग्वेद का 191 वर्ष पढ़ें। संग सद्वम संबद्धम समो मानासी जानताम, देवा भाग में था पूर्वे संजाना न उपासते, समान वाकुति समान हृदय निवा समान मोहस्ती यथा वस्तु सहसते। पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी हमेशा आपके साथ चलने को तैयार है, पूरी मानवता को सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा के रास्ते पर चलाने को तैयार है। सुधरेगा मनुष्य, मनुष्य बनेगा या जानवर रहेगा, खून की नदियां बहेगा, पुतिन और ज़ेलेंस्की की तरह लड़ेगा, लड़ाएगा, मरवाएगा, बेशर्मा सीख मुझसे, पंडित हूँ मैं, पोथी पर पर जगमुआ पंडित भयान कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, प्रेम करना सीखो। चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चर चले एक बंदी जंजीर, कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोएं, ऐसी करनी कर चलें हम से जग रोएं। आइंस्टाइन, न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग्स, एलन मस्क, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स और इतने महान सारे विभूति जो दुनिया को बेहतर बनाए, आओ उनकी श्रेणी में उनके पद चिन्हों पर हम भी चलें और पृथ्वी पर स्वर्ग लाएं। ये ज्ञान से होगा, प्रेम से होगा, करुणा से होगा, सत्य से होगा। ये धर्म बेधर्मियाँ, दूसरों को मार के खाने वाले, जानवरों की हत्या करने वाले, इंसान का भी खून का नदियां बहा के मार के खाने वाले, पाल तो कमीने कुत्ते नालायक,
जंगली जानवर ही होता तू मनुष्य के कोख में आके कुबुद्धि के सहारे काम क्रोध मद लोभ मोहिष्ठा द्वेष नफरत नाराजगी ने तुम्हें जानवर बनाया। धर्म छोड़ कर्मवीर पुरुषोत्तम बन प्रेम की नदियाँ में नहाओ और दुनिया को भी करुणा की प्रवाह में उद्वेलित करो। जय हो, ओम शांति। मेरा कोई धर्म नहीं, मेरा एक ही धर्म सत्य है, मेरा एक ही धर्म आपका कल्याण, मेरा एक ही धर्म आपका उत्थान। इसीलिए जितने भी धर्मवादी हैं वो साइंटिफिक नहीं है, वो पाखंडी है। धर्म तो है एरोप्लेन बनाने वाला, धर्म तो है सेलफोन देने वाला, धर्म तो है तुम्हें बीमारियों से मुक्ति जाने वाला, यही धर्म है। यहाँ विज्ञान है, जहाँ ज्ञान है। ओम शांति, ओम शांति। एकलव्य टेनिस आश्रम से आप सबों का अलविदा मेरे दोस्तों।